आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी ज्यादा अहम मुकाबला खेला जाएगा, या यूं कहें कि ये मैच टी20 वर्ल्ड कप की दिशा बदल सकता है। आज का मैच इतना इम्पोर्टेंट है कि आज इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को बाहर भी करवा सकती है, या फिर इंडिया की टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल इस मैच में प्ले करेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि पिछला मुकाबला अफगानिस्तान से हार कर आ रही है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजिशन पर है, दो मैच जीत कर आ रही है। इस मुकाबले की अगर बात करें तो ये मैच सेंट लूसिया में खेला जाएगा। सेंट लूसिया के पिच और मैदान को देखा जाए तो यहाँ पर बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और हमने अमूमन देखा है यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो और हाई स्कोरिंग ना हो, ये भी हो नहीं सकता। तो इस मैच का जो वेन्यू है वो सेंट लूसिया है, जहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला खेलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की, तो सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रेविस हेड हैं, डेविड वार्नर, इसके अलावा मार्श जो कि कप्तान है हालांकि फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेल कर आ रहे हैं, और भी तमाम खिलाड़ी हैं, टिम डेविड हैं, मैथ्यू वेड। वहीं गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क हैं जो पिछले मुकाबले में खेले नहीं थे, पैट कमिंस हैं जो कि बैक टू बैक हैट्रिक्स लेकर आ रहे हैं, जॉश हेजलवुड और एडम जेम्पा काफ़ी ज़्यादा कमाल इस विश्व कप में कर रहे हैं। वहीं इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे ओपनर्स हैं। विराट कोहली से उम्मीदें होंगी कि इस मुकाबले में रन बनाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विराट कोहली के बाद फिर इस टीम में हार्दिक पांड्या काफ़ी ज़्यादा अहम खिलाड़ी हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी से काफ़ी अच्छा कमाल करते हैं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं, और भी कई तमाम खिलाड़ी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मुकाबले में। अब इस मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो हेड टू हेड में इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन फिर भी टी20 विश्व कप है और दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अहम मैच है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस इम्पोर्टेंट मुकाबले में किस तरीके का खेल दिखाती है और क्या इस मुकाबले को जीत पाती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।